वार्डरोब्स या अलमारी डे टू डे लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। वार्डरोब्स की जब भी बात होती है ये क्वेश्चन जरूर आता है, स्विंग वार्डरोब्स लगवाएं या स्लाइडिंग वार्डरोब्स। इस वीडियो में मैं डिटेल कंपैरिजन बताऊंगी बिटवीन स्लाइडिंग एंड स्विंग वार्डरोब्स। मुझे पूरा भरोसा है ये वीडियो देखने के बाद आगे कभी भी राइट वार्डरोब पिक करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट, स्पेस, मेंटेनेंस एंड विजिबिलिटी को यूज करके एक अच्छी वार्डरोब को कैसे बेटर बनाया जा सकता है ये भी बताऊंगी। आई एम आर्किटेक्ट सोनिका एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लाइमलाइट इंटीरियर्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशंस। इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट स्विंग एंड स्लाइडिंग वार्डरोब्स आर। अगर आप वो डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो टॉप 7 सीक्रेट्स ऑफ वार्डरोब डिजाइनिंग पर करी हुई है, यू कैन चेक दैट। आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now, without further ado, let's jump right into the comparison factors. Swing door wardrobes के door wardrobe से attached होते हैं with the help of the hinges. Hinges, जिसको हम कब्जा भी कहते हैं, are inexpensive. Hinges लगाने के लिए skilled laborer की जरूरत नहीं होती है. On the other hand, swing door wardrobes के door metal track पर run करते हैं, जो wardrobe से fixed होते हैं top and bottom. मेटल ट्रैक काफी एक्सपेंसिव आते हैं एंड इफ यू हैव अ बजट आई ऑलवेज रेकमेंड माय क्लाइंट टू गो फॉर द ब्रांडेड मेटल ट्रैक्स इंस्टेड ऑफ द लोकल वंस, क्योंकि लोकल वंस जल्दी खराब हो जाते हैं एंड इन द लॉन्गर रन आपके ब्रांडेड ट्रैक्स ज्यादा चलते हैं। मेटल ट्रैक्स इंस्टॉल करने के लिए स्किल्ड लेबरर की जरूरत होती है फॉर द करेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्रैक्स एंड वार्डरोब डोर्स के प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए। हियर वी कैन कंक्लूड स्विंग डोर वार्डरोब्स आर कॉस्ट एफिशिएंट। स्विंग डोर वार्डरोब्स में ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वार्डरोब के आगे फॉर द डोर्स ऑफ द वार्डरोब टू स्विंग आउटवर्ड्स। स्विंग वार्डरोब्स रूम का ट्रैफिक फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट करती है। स्विंग वार्डरोब्स प्लान करते टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो फर्नीचर रेंज से दूर रहे फॉर द प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वार्डरोब। वेयर एज स्लाइडिंग डोर वार्डरोब्स में ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि स्लाइडिंग डोर वार्डरोब्स के डोर स्लाइड करते हैं साइड टू साइड। सो हियर वी कैन से दैट स्लाइडिंग वार्डरोब्स के लिए उतनी ही स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें वो फिट हो जाए। स्लाइडिंग वार्डरोब्स रूम का ट्रैफिक फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है। सो वी कैन कंक्लूड स्लाइडिंग वार्डरोब्स आर स्पेस एफिशिएंट। डबल डोर स्विंग वार्डरोब्स प्लान करने के लिए मिनिमम 30 से 32 इंच की विड्थ रिक्वायर्ड होती है। 32 से 30 इंच ही क्यों? क्योंकि वो गवर्न होता है सिंगल डोर विड्थ से। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो वार्डरोब्स पर चेक कर सकते हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब्स प्लान करने के लिए मिनिमम 4 फीट की जगह होनी चाहिए। आपकी दीवार 4 फीट वाइड हो तभी स्लाइडिंग वार्डरोब बन पाएगी। बट आई रिकमेंड स्लाइडिंग वार्डरोब्स आप तभी प्लान करें जब आपके पास 6 फीट या 6 फीट से ज्यादा की जगह है, क्योंकि स्लाइडिंग वार्डरोब्स ज्यादा विड्थ में बहुत स्मार्ट दिखती है। स्विंग डोर वार्डरोब्स में मिनिमल मेंटेनेंस की जरूरत होती है। स्विंग डोर वार्डरोब्स काफी लंबे टाइम तक चलती है। स्विंग डोर वार्डरोब्स में अगर एक भी हिंज खराब है तो उसको इजीली रिप्लेस करा जा सकता है इंस्टेड की सारी रिप्लेस करी जाए। स्विंग डोर वार्डरोब्स माइट नीड ओकेजनल ऑयलिंग व्हेन द क्रिकिंग साउंड इज हर्ड। Also, swing wardrobes do not need gentle handling, but that doesn't mean it can be handled roughly. Sliding door wardrobes are high maintenance and require gentle handling. Rough uses से wardrobe के doors metal track से slip कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो chances हैं कि आपको metal track या तो replace कराना पड़ेगा या उसकी repairing की जरूरत पड़ेगी। स्लाइडिंग डोर वार्डरोब्स में ट्रैक की रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ती है टू एंश्योर कि वार्डरोब के डोर्स प्रॉपरली स्मूथली वर्क करें एंड रोलर्स ऑफ द डोर्स पे आपको ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है ओकेजनली। सो वी कैन कंक्लूड स्विंग डोर वार्डरोब्स आर लो मेंटेनेंस। इन स्विंग वार्डरोब्स विजिबिलिटी इज मोर व्हेन ऑल द डोर्स ऑफ द वार्डरोब्स आर ओपन, वेयर एज इन द स्लाइडिंग वार्डरोब्स वार्डरोब की एक साइड हमेशा कंसील्ड रहती है विद द स्लाइडिंग डोर।
स्विंग वार्डरोब्स में आपको डोर के पीछे जगह मिल जाती है जिसपे आप अपनी एसेसरीज, बेल्स या कुछ भी चीजें हैंग कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर में ऐसी स्पेस नहीं मिलती है। टिप नंबर 1, स्लाइडिंग वार्डरोब की कंस्ट्रक्शन से पहले आप मेटल ट्रैक सिलेक्ट कर ले, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द मेटल ट्रैक वार्डरोब स्ट्रक्चर में स्मॉल ऑल्टरेशंस की जरूरत होती है। ये वो स्मॉल ऑल्टरेशंस हैं जिसमें वार्डरोब की फ्लॉलेस फिनिशिंग काफी अच्छी दिखेगी। टिप नंबर 2, जनरली वार्डरोब डोर्स की हाइट 7 feet होती है, उसमें 3 number of hinges आर गुड इनफ। बट अगर आपकी वार्डरोब डोर की हाइट इंक्रीज हो रही है या वार्डरोब पे आपने कोई ऐसा फिनिश करा है उसके फसाद में जिससे वार्डरोब के डोर्स हैवी हो रहे हैं, सो नंबर ऑफ द हिंजेस कैन बी इंक्रीज टू 4 numbers टू एंश्योर कि हिंजेस हैवी वेट आपके डोर का कैरी कर पाए। एक लाइन की समरी में यहाँ पर ये दूंगी कि अगर आपके पास जगह है, बजट है एंड आप मेंटेन कर सकते हैं, तो स्लाइडिंग डोर वार्डरोब्स रूम का एस्थेटिक काफी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो एक मॉडर्न लुक देते हैं आपके रूम को। स्विंग वार्डरोब्स एक ट्रेडिशनल चॉइस है एंड अगर आप उसे ज्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको बजट अपना लिमिटेड रखना है, तो आप स्विंग वार्डरोब्स की तरफ जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्विंग एंड स्लाइडिंग वार्डरोब्स। मैं होप करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से चूज कर पाएंगे कि आपको स्विंग वार्डरोब्स लगानी है या स्लाइडिंग वार्डरोब्स अपने घर में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। नाउ टाइम टू से गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।